कल आप लोगों का उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सर खैरियत से होंगे। तो जनाब हम भी ठीक ठाक हैं और आप लोगों का वेलकम है नए ब्लॉग में। तो अभी जो है 12 बजे, 12 बजे तो नहीं है, 12 बजे में 5 मिनट कम है, मगर 12 बजे तो चलो हमारी जो है ना मॉर्निंग का आगाज। हम लोग उठे हो तो काफ़ी देर पहले के थे, मगर ये है कि अभी जो है हमारी लाइट गई हुई है, क्योंकि कराची हो और लाइट आपको मिल जाए घरों में ऐसा तो हो नहीं सकता जनाब। खैर मेरे हस्बैंड ने बताया उधर पंजाब में तो लाइट हो रही हुई, तो हमारे तो यहाँ पे लगातार जा रही है। तो अब जो है हम लोगों ने नाश्ता करना है, नाश्ते के लिए मुझे चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। चीज़ें क्या, पराठा बनाएंगे हम लोग पराठे, और साथ में हमें चाय बनानी है, उसके अलावा रात का सालन, और फिर साथ में मैं सोच रही हूँ कि अंडे बनाऊँ। अंडे जो है वो मुझे मंगाने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि साथ में बिस्किट भी मंगवा लेते हैं, चाय बिस्किट भी, तो एक तरह का तड़का ही होता है, बच्चे खुश हुए थे। तो जनाब बच्चे मेरे जाग चुके हैं, ठीक है। मुस्तफ़ा, अब मुस्तफ़ा को जो है ना मैं भेजूंगी पैसे दे के, ताकि वो अंडे, ये जनाब पकड़ो पैसे आप, ठीक है। और जाके आपने कितने अंडे लेके आने हैं, 2 अंडे ले आओ, क्योंकि कल भी मैंने बनाया था तो अंडे ज़ाया हो गए थे, ठीक है। आप लोग खा नहीं रहे थे, तो बस एक थोड़ा सा अंडे जो है ना तड़का टाइप बन जाएगा अंडों का, साथ में सालन। तो आप जाके अंडे ले आओ और एक बिस्किट ले आओ। कौन सा बिस्किट लाओगे? ग्लूको? ग्लूको नहीं लाओ भाई, ग्लूको अजीब सा होता है, मीठे के साथ मीठा नहीं अच्छा। मैं और कोई ले आओ बिस्किट, जीरा प्लस ले आओ, कह रही है तो एक जीरा प्लस ले आओ और साथ में 2 अंडे ले आओ, ठीक है। बकाया पैसे वापस लेकर आने हैं, ठीक है। ध्यान से कंघा करके जाना, उजड़ा चमन लग रहे हो आप, जल्दी से कंघा करके जाओ। शाबाश। मुस्तफ़ा अंडे लेने गया हुआ था, तो मैंने सोचा तब तक मैं जो हूँ बेडशीट वगैरह सही कर लूँ, झाड़ पोछ कर लूँ, क्योंकि सीमा जो है बाकी काम कर लेती है मगर झाड़ पोछ का जिम्मा मेरा ही होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं बेडशीट वगैरह सही कर रही थी, और सुबह मेरी इनके बाबा से बात हो गई थी, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने आज सरगोधा के लिए निकलना है, क्योंकि उनके पीरों का उरस है, तो इस वजह से वो वहाँ पर जाएंगे। जनाब हमारा नाश्ता रेडी हो गया, हमारी चाय, हमारे पराठे, उसके अलावा सालन रात का, और हमारा अंडा, और ये हमारा तकी जो बावला हो रहा है आज, इसको पता नहीं भूख लग रही है क्या हो रहा है, ये एकदम बावला हो रहा है। चलो जी अभी, हाँ फातिमा भूख लग रही है, और मुस्तफ़ा को। तो जनाब हम लोग करने लगे हैं नाश्ता, इसके बाद आपसे बात होती है। लेट आ गई भी है, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया हुआ है, और अब मेरे बच्चे जो हैं वो अपने ट्यूशन का काम कर रहे हैं। हाँ वो आ गए पंजाब में, सरगोधा गए हुए, और यहाँ पर जो है मेरे बच्चे, बाबा कह रहे सरगोधा पहुँच जाऊँगा तब कॉल करूँगा। सुबह से ना इस बाबली ने इतनी कॉलें की हैं बाबा को, तो अब्बा कोई हाल नहीं है सड़की का। ट्यूशन का टाइम होने वाला 15 मिनट है, तो आप काम करें जल्दी, और मैं जो है ना तकबीर उल्लैन को सुनाने जाऊँ। पापा जो है ये यहाँ पे हर कोई नई नई मुहिम सर करता रहता है, ये देखें आप लोग अभी यहाँ पे खड़ा हो रहा है। आई थिंक इसके भी सोने का टाइम हो रहा है, क्योंकि सुबह तक थोड़ा खाता पीता है और फिर ये सो जाता है, तो अभी मुझे लग रहा है इसके भी सोने का टाइम हो रहा है। मैं ट्राई करती हूँ कि ये सो जाए तो अच्छी बात है। कटप्पा ओए तकी, तकदीर उलैन आप ही को लेके रहे, आप ही जल्दी से जाए ना काम करें अपना। टाइम जो है अभी 1:30 बजे का हो गया, और आज बच्चों ने बोला कि हमें जो है ना हमारे कारी साहब ने बोला जल्दी, और इस वजह से ट्यूशन भी हमें जल्दी जाना पड़ेगा, तो जो है ना वो लोग चले गए ट्यूशन। और यहाँ पर जो है मैंने तकी साहब को जो है वो नहा धुला के इनको तैयार किया है, साफ़ सुथरा करके बिठाया है, क्योंकि बच्चे जो है ना जब नहा लेते हैं तो उनको नींद आती है और वो सो जाते हैं। पहले मैंने ट्राई मारा था कि ये सो जाएं, मगर ये बिल्कुल नहीं सोए, तो अभी मैंने इनको नहलाया है, मैंने कहा ये सही हो जाएं, बिल्कुल एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाएँ तो फिर सो जाएँ। अभी लग रहा है कि इनकी शक्ल पर कि नींद आ रही है या नहीं आ रही, तो ट्राई करते हैं, क्योंकि चिड़चिड़े हो रहे हैं फुल। कटप्पा जो है वो मेरा चिड़चिड़ा हो रहा है, कहाँ गलियो कहाँ गलियो ना कहाँ गलियो, हाँ तंग हो गए हो माशाल्लाह से, इनके टीथ निकल रहे हैं दो, ये देखिए, और ये बहुत गुस्से में है। मैं तो चले हम इनको सुलाते हैं, और मेरा दिल है मैं खुद भी थोड़ी देर सो जाऊँ ताकि बंदा फ्रेश हो जाए। बजने में 5 मिनट और फिर से लाइट जाने वाली है, और हमारे यहाँ पे नन्ना मुन्ना बिल्कुल सुकून के साथ सो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए कूलर लगाया हुआ ताकि सुकून के साथ सो जाए, और अभी चली जाएगी लाइट, और फिर से हम लोग जो है ना वो गर्मी में मरेंगे। आज कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, और सीमा जो है हमारी काम वाली बंदी वो आई थी, उसने काम कर दिया हमारा माशाल्लाह से, और सब कुछ फिट एंड फाइन और साफ़ सुथरा हो गया। और अभी हमने रखा हुआ है यहाँ पे गोश्त, ठीक है, कुकर के अंदर, ये पकना है आज। और बच्चे जो हैं वो ट्यूशन गए हुए हैं हमारे, फालतू बिजली जो है वो हम बंद कर देते हैं, क्योंकि लाइट वैसे भी जाने वाली है, तो फालतू की लाइट्स और पंखे बंद कर देंगे, बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बना के भेज। बेबी जो है ना उसको मैं ये देती हूँ, टैबलेट देती हूँ, खा लो इसको, क्योंकि इसके टीथ निकल रहे हैं, हाँ ऐसे ऐसे, ये वाली टैबलेट देती हूँ दांत निकलने वाले बच्चों को ना, ये होम्योपैथी की टैबलेट होती है, ये ज़रूर दिया करें, इससे क्या होता है कि बेबी को पोतियाँ नहीं लगती, हाँ ना, इससे बेबी के दांत ईजीली बाहर निकल आते हैं।
है ना रेगी, बस दो टैबलेट्स खा ली ना, ये मुझको दे दो ना, ये मुझको दे दो ना, छोलो ना। तो मैंने अपने तीनों बच्चों को माशाल्लाह से ना टैबलेट दी है, तो ज़्यादा सख्ती नहीं होती बच्चों के ऊपर दान निकलने में। और जनाब हम बंद लाइट में बैठे हुए हैं और कोई हाल नहीं है, 4:30 से ऊपर का टाइम हो गया जनाब, लाइट बंद हुई हुई है। उसके अलावा हम दोनों माँ बेटा गल पे हैं, और जो है ना इसके भाई और बहन जो है वो गए हैं ट्यूशन पढ़ने अपना, और हम लोग जो है वो गर्मी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, कराची में आज गर्मी बहुत है, उसके अलावा लाइट तो वैसे भी नहीं होती, तो हम लोग साथ साथ में पंखा चल रहे हैं ऐसे ऐसे। ये पंखा ला के दिया था उसके बाबा ने, इसका यह बनाया सीरियल है हीरो लाइन के लिए, तो अब हम उसको खिलाएंगे। लेटो आप, मेरा बेबी जो है ना वो लेट के सीरियल एग खाता है, तो चले हम सीरियल एग खिलाएंगे तकी को, और उसके बाद हम जो है ना आपसे बात करेंगे, क्योंकि खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे जो है ना अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही है, और खासकर बच्चे संभालने के मामले में, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा बहुत साथ देते हैं, वो कम से कम अगर तक रो रहा होता है और मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो क्या करते हैं, इसको संभाल देते हैं, उसको जो है ना खिलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ना मेरा थोड़ा सा जो है वो जिसके कहते हैं एनर्जी वो बच जाती है। अब यह है कि बच्चे जो है वो मेरे सर पे हैं, मैं इनको संभाल रही हूँ, साथ में घर का ध्यान, खैर कोई अच्छी बीवी की निशानी होती है, अगर आपके साथ में नहीं है तो कहीं गया हुआ है, तो आप जो है घर का, उसके बच्चों का, उसकी इज्जत का, सबका ख्याल रखें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दूसरी बात यह है कि अभी जो है ये तकदीर उलहन साहब, ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए अब माशाल्लाह खड़ा हो रही है, ये दो टांगों वाला घोड़ा है, ठीक है, ये सवारी दे रहा है तकी को, अल्लाह भी नहीं करो गिर जाएगी, वो गिर जाएगा। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आ चुके हैं, आज ये लोग 1 बजे गए थे और 4:30 बजे तक इनकी छुट्टी हुई है, और अभी लाइट आई है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं शॉर्ट वीडियो की तैयारी कर लूँ, क्योंकि 6 बजे फिर से लाइट चली जाएगी, और अब मैं इसी चक्कर में आप लोगों से लूँगी इजाज़त, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो फिर ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि दर्जी बात लाइट बंद होती है, अंधेरा हो जाता है, समझ नहीं आती बंदे को। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो उम्मीद तो यही है कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो ईमानदारी के साथ इसको लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।